तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए पापा जी, ओए बॉस आ गया, वो सेक्रेटरी तो आता पता नहीं। ओए पिड़ू कितने रह गया तू? सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया आ गया आ गया। ओ हो, क्या बात है सॉरी, तुम तो वाकई कनाडा के करोड़पति लग रहे हो। ओए लग रहे का की मतलब है? ओए करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ओए पिड़ू, शोल्डर शोल्डर से टाई जाए और तू भी एकदम सेक्रेटरी लग रहा है। सेक्रेटरी को तो सेक्रेटरी लगूंगा ना भाई, मुझे भी सेक्रेटरी बना दिया। चल सॉरी। सोड़ी सोड़ी क्या लगा रखा है? ओए जसपाल सिंह बग्गा। अरे हाँ बग्गा, चलो बग्गा बग्गा। ए क्या बग्गा बग्गा, बॉस को नाम से बुलाएगा? तेरे स्टूडेंट तुझे नाम से बुलाते? क्या क्या बुलाते सर? ओहो सर, ठीक है चलिए सर। चल चल के भोगी लाल पे धावा बोलते और उसका ब्रांड बजाते। अरे सोड़ी सोड़ी सोड़ी, फिर से सोड़ी। सर वहां जाके हमें गुस्सा नहीं करना है सर, गुस्से पे काबू रखना है। ओए जब मैंने गुस्सा आता है ना तो मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो सही लगता है मैं वो ही करता हूँ। और तू गल्ला छोड़ दे, गड्डी च बैठ यार। काय होना रे भाई तुम्हें? अरे वाह सोड़ी, इडली मास्टर गुड गुड पहन के तैयार होके कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सोड़ी चाचा जी को नहीं बताना है। क्या हुआ इडली मास्टर, क्या घुसुर घुसुर कर रहे? नहीं कुछ नहीं चाचा जी। अरे क्या कुछ नहीं सोड़ी, क्या बोल रहा था इडली मास्टर? मैंने पता नहीं पीड़ू, तू कुछ कह रहे थी मैंने सुना नहीं। हाँ बोल क्या बोला इडली मास्टर? नहीं चाचा जी मैंने तो कुछ नहीं बोला। चल चल अभी झूठ मत बोल, ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए। बोल क्या बोल रहा था? अच्छा वो तो मैं भगवान का नाम ले रहा था। क्या है कि किसी भी शुभ काम के लिए जाते तो भगवान का नाम लेते ना। अच्छा अच्छा, लेकिन किस शुभ काम के लिए जा रहे हो ये तो बताओ। शादी में जा रहे। हाँ, अच्छा किसकी शादी? रिश्तेदार की। हाँ अच्छा, तेरे रिश्तेदार की शादी, वाह वाह। तो भिंडी मास्टर तू किसकी शादी में जा रहे? भाई सेम रिश्तेदार की। ये पंजाबी तुम मराठी, तुम दोनों के रिश्तेदार एक ही? सच सच बताओ, शादी में जा रहे हो या पार्टी शार्टी करने जा रहे हो? नहीं 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 चाचा जी, पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहे, सच में शादी में ही जा रहे। वो लव मैरिज है ना। अच्छा दरअसल मैं लड़के वाला हूँ, ये लड़की वाला है? नहीं मैं लड़के वाला हूँ। हाँ वो थोड़ा सा गोंधल डाला, मैं तो ये लड़की वाला और मैं लड़की वाला हूँ। चाचा जी चले, हम लोग लेट हो रहा है। हाँ जेठापुरा वेट कर रहा है। क्या वेट कर रहा होगा, जेठिया भी आ रहा है क्या शादी में? नहीं नहीं शादी में नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो गिफ्ट लेना है ना शादी के लिए, तो सोचा कि जेठा की दुकान पे जाएंगे और वहां से गिफ्ट लेंगे। हाँ फ्रिज लेना। अरे फ्रिज कहाँ से आएगा अपनी गाड़ी में? मेरी बात हुई थी वहां पे, फ्रिज है उनके पास, मिक्सर नहीं है तो मिक्सर लेना है हमें, तुम भूल मत जाना सोड़ी। मिक्सर लेना है। चाचा जी अभी बहुत लेट हो रहा है तो चले हम। चलो चलो चलो। आगे सोड़ी पाजी, ये है मेरा यार। ओ सोड़ी पाजी आजा मिलवाता हूँ, आजा। ओए सुखिया, ओ क्या रहा, ओ बढ़िया, ओ बलिंदर, ओ रंजीत, ओ देखा पिड़ू, ओ यारो, ओ ये है मेरा सेक्रेटरी। ओ मेरा यार, मेरा जिगरी, आत्मराम तुकाराम पिड़ू। अरे सस्त्री अकाल पिड़ू। नहीं 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 भिड़ू नहीं यार, भिड़े आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी है ना वहां का मैं एकमेव सेक्रेटरी। हां ये फर्क पैंदा पिड़ू या भिड़े होए गले मारन। ओ ओ ओ
थोड़ी तुम्हारे दोस्त वाकई जबरदस्त है, जोरदार है एकदम। और खास करके ये पाजी, ओ पाजी आपकी हाइट रुक गई कि अभी भी बढ़ रही है? और नाजी फिलहाल रोक के रखी है। हाँ ओ मजाक कर रहे हैं यार, तुक्की बड़ा मजाक किया है। ओ यारो तुम लोग एकदम प्रॉपर फर्स्ट क्लास ड्रेसिंग करके आए हो। ओ पाजी आपके बॉडीगार्ड लग रहे हैं ना एकदम। ओ तुसी मैनू ए दसो कि मैं कैसे लग रहा हूँ? पाजी तुसी तो एकदम टॉप लग रहे हो। छोटी पाजी असी तो रेडी हां। ओए छोटी पाजी नहीं, ओए कनाडा का एनआरआई करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा। जसपाल सिंह बग्गा साहब। पाजी असी तो तैयार हां, हुण दसो किथे जाना है? ओए एक मिनट रुको यारो, वो पहले जेठा फरा को फोन लगा लेता। हां हां करो, जेठा वाले को फोन लगाना है ना। सेठ जी बहुत टाइम हो गया, छोटी भाई का फोन अभी तक नहीं। हाँ छोटी रेडी? और रेडी है जी, एकदम रेडी है, रेडी स्टेडी टू गो है जी। हाँ वो तेरे तीनों 10 बॉडीगार्ड बन के आ गए? हाँ जी आ गए जी, और एकदम बॉडीगार्ड बन के तैयार है। वो पीड़ू भी सेक्रेटरी बन के तैयार है। अरे वाह, अच्छा उसने कुर्ता उर्ता तो नहीं पहना है ना? ओ, ना जी ना, वो सूट पहना है जी, सूट। सूट? और तूने? जी मैंने भी सूट पाया जी। अरे तुम दोनों ने सूट पहना तो फिर पता कैसे चलेगा तुम दोनों में से करोड़पति कौन है? ओ जेठा परा पता चल जाएगा, पीड़ू ने सेक्रेटरी वाला सूट पहना है और मैंने करोड़पति वाला सूट पहना है। है? मेरे सूट पे ना वो झिलमिल झिलमिल ऐसे। अरे सॉरी, तब से वीडियो कॉल कर ना बाबा। हाँ ओ जेठा परा एक मिनट, मैं ये कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करता हूँ। ये है पिडू। देखो जसपाल सिंह बग्गा का सेक्रेटरी कैसे है, परफेक्ट है ना? हाँ वो तो अभी छोटी का शूट देखो तो पता चले ना भाई कि तुम दोनों का शूट में कितना फर्क है। हाँ हाँ एक सेकंड। हाँ ओ जी लग रहा हूँ ना कनाडा का एनआरआई करोड़पति जसपाल सिंह बग्गा। वाह 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 बढ़िया बढ़िया छोटी बढ़िया। नहीं नहीं तुम दोनों का शूट एकदम अलग है, बढ़िया लग रहे है, तो करोड़पति लग रहा है। वाह वाह वाह। एक सेकंड जेठा, देखो मेरे यार मतलब मेरे बॉडी गार्ड सुखी बलविंदर रंजीत। ओ हो 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 जबरदस्त जबरदस्त छोटी, वाह शाबाश। ओ जेठा ब्रा तुझे टेंशन ना लो, सब ठीक होएगा। ठीक है तो आप लोग निकलो, हम लोग भी निकलते हैं। हम लोग रामाश्री होटल के बाहर खड़े रहेंगे, तुम लोग जैसे ही भूखे लग के कैबिन में पहुंचो हमको एक फोन कर देना, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। एक मिनट सेठ जी, सोडी भाई एक मिनट, आप वो सीधे भोगीलाल की ऑफिस पे मत चले जाना, पहले रामाश्री होटल पे हमसे मिलना फिर जाना। क्यों? वो हाँ जी क्यों? वो मुझे आपको कुछ देना है। क्या देना है? शगुन दही शक्कर खिला के भेजना चाहता है सोडी और गैंग को। दही शक्कर? नहीं नहीं सेठ जी, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। क्यों? सेठ जी अगर मैं आपको अभी बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, और अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है ना सेठ जी। सोडी भाई आप सीधे रामाश्री होटल पहुंचिए, वहां मैं आपको सब समझा दूंगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं सोडी, मिलते हैं। ठीक है, रब रखा। पाजी तुहाडी गड्डी तैयार है? हैं ते ए तुहाडी गड्डी। ओयो ठीक है चलो। चलिए सेठ जी। अरे चलिए क्या, पहले बता तू सोडी को क्या देना चाहता है। इसमें क्या है, बम? क्या है इसमें? क्या सेठ जी आप भी, मैं आपको आतंकवादी दिखता हूँ। बम क्या है, क्या इसमें? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मतलब नकली वाले 10 लाख। एक मिनट, ये तो असली है। ऊपर की एक एक नोट असली है, बाकी अंदर देखिए। तो तू ये सोडी को देना क्यों चाहता है? सेठ जी ये भोगीलाल बहुत चालाक आदमी है, वो हमसे ऐसे मिलेगा नहीं, लेकिन अगर पैसों की लालच दी तो मिलने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा।
वाह बाघा वाह, तू दिखता है उतना बाघा है नहीं। वो तो जैसी जिसकी सोच। क्या, चलिए चलिए सिद्ध जी, हमें लेट हो रहा है, चलिए। सिद्ध जी, सोडी बार ये लोग आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे भाई। इतना पता नहीं चला, लेकिन अभी लियो देखने में तेरा दोस्त एकदम खूंखार बॉडीगार्ड लग रहे। इनको देखते ही भोगीलाल के बॉडीगार्ड के तो पसीने छूट जाएंगे। थैंक यू दोस्तों बॉडीगार्ड बनने के लिए, थैंक यू। दोस्त है दोस्त, दुश्मन साडा भी दुश्मन। हाँ छोटी, सब समझा दिया है ना उनको? हाँ जेठा प्रा, सब समझा दिया। और तुसी जरा भी फिकर ना करो, सोडी प्रा जैसी हमको इशारा करेंगे हम भांगड़ा पाना शुरू कर देंगे। भांगड़ा? छोटी ये लोग वहाँ भांगड़ा करने वाले? अरे जेठा प्रा, भांगड़ा हमारा कोड वर्ड है। जैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना, तो मैं इनसे कह दूंगा हड़िप्पा, तो पांगड़ा शुरू। शाबाश हड़िप्पा, और मारा धक्का मुझे। ये कौन है? मैं हूँ। सिद्ध जी आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तूने ही तो बोला ना और मारा धक्का मुझे। मैं आपको नहीं बोल रहा था। तो कुछ नहीं, ये बैग देनी है कि नहीं? मैं उसी के लिए तो यहाँ मिला है, दे दे चल दे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले घेरा बना के खड़े रह जाइए। क्यों घेरा? ताकि कोई देख ना ले। अरे भाई घेरा बना के खड़े रहेंगे ना तो जिसका ध्यान नहीं जाता होगा वो भी देखने चला आ जाएगा, क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है। ठीक है ये लीजिए। है की है ब्रीफकेस? वो तो मेनू भी पता है, लेकिन ये ब्रीफकेस तो मुझे क्यों दे रहा है? क्या करोड़पति के हाथ में ब्रीफकेस होना जरूरी है? नहीं मतलब ब्रीफकेस के बगैर मैं क्या करोड़पति नहीं दिख रहा? अरे नहीं नहीं छोटी, ये तेरे लिए नहीं है, भोगीलाल के लिए है। ओ मैं समझ गया, पिड़ू भोगीलाल से पैसे इसमें लेके आने। अरे नहीं नहीं छोटी भाई, इसमें पैसे है। पैसे है? एक मिनट, ओ जेठा प्रा, हमें भोगीलाल से पैसे लेने हैं या उसे पैसे देने हैं? पैसे दिखा के पैसे लेने? पैसे दिखा के पैसे, मैं कुछ समझा नहीं। सोडी भाई आप उसकी ऑफिस में ये पैसे लेके जाओगे तो ही वो आपको मिलेगा, अगर खाली हाथ जाओगे तो बाहर से ही भगा देगा। हूँ मैं समझ गया, हमें भोगीलाल को पैसों का लालच देकर अपने चुंगल में फंसाना है। हाँ तो बागा इसमें पैसे कितने? 10,000 रुपए। सिर्फ 10,000? सिर्फ 10,000 का लालच देके 50 लाख मांगने? नहीं नहीं भिड़े भाई, इसमें वैसे तो 10 लाख रुपए है। अरे काय बोलते हो बागा, 10,000 है कि 10 लाख है, 2 शून्य का फर्क है भाई, स्कूल में गए हो ना तुम? मेरा कहने का मतलब है भिड़े भाई, 9,90,000 नकली है और 10,000 असली है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि असली कौन से और नकली कौन से? बंडल के ऊपर की एक एक नोट असली है, बाकी सब नकली है। ओ, अच्छा कर लो। जेठा प्रात तुसी टेंशन ना लो, सब हम पर छोड़ दो। थैंक यू सोडी। अच्छा सोडी, तू जैसे ही भोगीलाल के कैबिन में पहुंचेगा ना मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और मैं यहीं? अरे नहीं तू भी तो चलेगा ना मेरे साथ? नहीं अभी आपने बोला ना मैं पहुंच जाऊंगा। हम पहुंच जाएंगे बस। अच्छा सूडी भाई, अब भोगीलाल की कैबिन में से सेठ जी को फोन करोगे तो फोन में बोलोगे क्या? ओए बोलना की है जेठा ब्रा, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, अगर आप उसके सामने सेठ जी का नाम लोगे तो वो सतर्क हो जाएगा। ओ तो अब क्या करें? मैं क्या कहता हूँ, अभी आपने वो भांगड़ा पा जैसा कोडवर्ड रखा है ना, वैसे ही सेठ जी को बुलाने के लिए कोई कोडवर्ड रखो तो। ये ठीक है, मैं जटाप्रा को फोन करके कहूंगा जटाप्रा गिद्दा पाने आ जाओ। अरे नहीं सेठ जी का नाम ही तो नहीं लेना है सोडी भाई। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेंटेनेंस का चेक दे दो। दे तो दिया,
अरे मैं कोडवर्ड की बात कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस का चेक दे दो, ऐसा कोडवर्ड रखे तो। नहीं नहीं, ऐसा कोडवर्ड नहीं रख सकते। क्यों क्यों नहीं रख सकते? क्या क्यों नहीं रख सकते भिड़े, जरा सोच तो सही। करोड़पति सेठ का सेक्रेटरी बाजू में सूट पहन के खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और करोड़पति सेठ फोन पे मेंटेनेंस मांग रहा है। अरे मेंटेनेंस का चेक दे दो भाई। अगर ऐसा बोले तो कि जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। नहीं सुखी है, ठीक नहीं। नहीं नहीं, अच्छा है। अच्छा अच्छा है जी, वेरी गुड। तो ये तैरा, मैं फोन लगा के जेठापुरा से कहूंगा कि जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। तो ये सेक्रेटरी क्या घूमने आया है? वो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं फोन करें। अरे यार तू सोच तो सही भिड़े, कैसा लगेगा? करोड़पति सेठ फोन कर रहे, सेक्रेटरी सूट पहन के खड़ा है बाजू में चुपचाप, कुछ काम नहीं कर रहे। अच्छा कर ले ना बाबा, मैं करूंगा फोन, बोला ना मैंने। तो मेरे वीरो तैयार हो? हां जी। चलो चल के बोगी लाल के छक्के छुड़ाते हैं। जो बोले सोने। चलो 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 हाँ हाँ चलो, आता क्या झालं ते। सेठ जी, आपके गोकुल धाम के पड़ोसी जैसे पड़ोसी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बागा, सच में हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। ये पड़ोसी नहीं, ये तो परिवार है, परिवार बागा। सोड़ी सोड़ी सोड़ी, जरा ध्यान रखना कोई गलती ना हो पाए। हाँ सोड़ी सोड़ी बोल के गलती तो तू ही कर रहा है। सर बोल सर। हाँ हाँ सर, वो काम पे ध्यान दे पिड़ू। तुमने भी गलती की ना भिड़ू बोल के। पर तेरा नाम कहाँ बदला हमने? चला ए, एक मिनट, पहले आप और आप जाओ आगे। हाँ अभी चलिए। जिसका ऑफिस इतना शानदार हो उसका होटल कितना खूबसूरत होगा। सेक्रेटरी होटल खरीद लो। अरे नहीं नहीं सर, होटल खरीदने की जरूरत नहीं है, शादी है ना सिर्फ, तो रूम बुक करते हैं ना। आइए रिसेप्शन पे आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हमें गोबीलाल जी से मिलना है। अरे खाली आल्या आल्या माती खाली, यहाँ कोई गोबीलाल जी नहीं है, बोगीलाल जी। वेरी गुड, हम ये चेक कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे बॉस का नाम पता है कि नहीं। हमें भोगीलाल से ही मिलना है। ओहो क्या संभाला है सोड़ी। आप कौन? आप है कनाडा के मशहूर फार्मिंग बिजनेसमैन बिलियनियर सरदार जसपाल सिंह बग्गा। और आप? मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलराम। उन्हें पता चल गया है कि हम कौन हैं। तुम गोकुल राम हो ये बताने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी, तुम जल्दी से हमें भोगीलाल जी से मिलवाओ। पर आपको सर से मिलना क्यों है? दरअसल हमारे सर के रिश्ते में एक शादी है, तो उसी सिलसिले में भोगीलाल जी का होटल बुक करना है। पर उसके लिए आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। मैनेजर? मैनेजर नहीं नहीं नहीं, अरे देखिए हम लोग मैनेजर से नहीं मिल सकते, हमें भोगीलाल जी से ही मिलना है, उन्हीं से काम है। भाई प्लान के मुताबिक अब तक तो कामयाबी हासिल हो रही है। बॉडीगार्ड्स को लेके पैसे से खचाखच भरा बैग दिखा के भिड़े सोढ़ी और सोढ़ी के दोस्त पहुंच तो गए भोगीलाल के ऑफिस, लेकिन अब बारी है भोगीलाल से मिलने की। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि भोगीलाल बेहद शातिर और लोमड़ी की तरह चालाक आदमी है और झांसा देने में माहिर है। अब देखना यह है कि क्या करेंगे सोढ़ी भिड़े और सोढ़ी के दोस्त, क्या वो भोगीलाल से मिल पाएंगे, और अगर मिल पाए तो क्या वो जेठालाल के पैसे निकलवाने में कामयाब होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से मुलाकात होती है, या होती है या नहीं होती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.